नमस्कार, मैं सुजीत कुमार एक बार फिर से स्वागत करते हैं नंबर वन क्लासेस में। जैसे कि हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का कई चैप्टर को देखते आ रहे हैं और हर एक यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में फ्री हैंड स्केच के बारे में पूरा डिटेल देखे थे, क्या होता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, किस प्रकार उसे सॉल्व करेंगे, इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप उस लेक्चर को देख चुके हैं तो आज का लेक्चर बहुत ही आसानी तरीका से समझ में आने वाला है, क्योंकि हम आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि फ्री हैंड स्केच के चैप्टर से ही रहेगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखे हैं बोर्ड पर, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर फ्री हैंड स्केचिंग, इसका हिंदी क्या हुआ, फ्री हैंड स्केच बनाने में कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा औजार यूज करते हैं। ऑप्शन ए दिया है रूलर एंड कंपास, ऑप्शन बी दिया है पेंसिल एंड इरेजर, ऑप्शन सी दिया है ब्लॉक कंपास एंड रूलर, ऑप्शन डी दिया है लेंथिंग बार एंड कंपास। देखिए इसमें कंपास भी नापने वाला, ठीक ना, इसमें भी कंपास दिया है, इसमें भी, ठीक ना, कंपास दिया है, ठीक ना, सारा प्रकार का ये नापने वाला इंस्ट्रूमेंट है, सारा प्रकार के मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। तो फ्री हैंड स्केच में नापने वाला अर्थात जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक ना, जो मेजर करता है, वो इंस्ट्रूमेंट को हम लोग फ्री हैंड स्केच में यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ एक ऐसा ऑप्शन बी में दिया है पेंसिल एंड इरेजर, इसको नापने का काम नहीं करता है, पेंसिल से हम लोग ड्राइंग करते हैं, इरेजर से हम लोग गलती हो गया तो मिटाते हैं। तो नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द फ्री हैंड स्केच, हिंदी क्या हुआ है, नीचे दिए हुए ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है, कौन सा सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिया हुआ है इट इज नॉट इन स्केल, मतलब ए स्केल में नहीं होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है इट इज इन एग्जैक्ट स्केल, मतलब ये पूरा 100% शुद्ध स्केल में होता है। ऑप्शन सी में दिया है इट यूज्ड कंपास फॉर ड्रा, इसको क्या, इसका हिंदी क्या हुआ है, इसमें ड्रा करते समय कंपास का यूज होता है, उपयोग होता है। ऑप्शन डी में दिया गया है इट यूज फॉर रूलर एंड ड्रा, रूलर की सहायता से ड्राइंग बनाया जाता है, ठीक ना। तो इसमें क्या बताए थे कि फ्री हैंड स्केच में कोई भी किसी प्रकार का, ठीक ना, स्केल यूज नहीं होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, इट इज नॉट इन स्केल, ठीक ना, कोई अभी स्केल में इस प्रकार के नहीं रहता है। ऑप्शन बी में उसका उल्टा दिया है, पूरा 100%, ठीक ना, एग्जैक्ट स्केल में रहता है, इस प्रकार ऑप्शन बी गलती है, ठीक ना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इट इज नॉट इन स्केल, जैसा कि आप लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वर्टिकल लाइन ड्रा विल फ्री हैंड स्केचिंग इट, तो इसका हिंदी क्या हुआ, वर्टिकल लाइन किस प्रकार ड्रा होता है, कहाँ से शुरू होता है, ठीक ना। तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्या ऊपर से नीचे आता है। ऑप्शन बी दिया है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर जाता है, ठीक ना। ऑप्शन सी दिया है फ्रॉम सेंटर टू एंड, क्या बीच से एंड आता है, मतलब अंतिम करते हैं, ठीक ना, बीच से शुरू करके लास्ट में आते हैं। ऑप्शन डी दिया है फ्रॉम एंड टू सेंटर, मतलब लास्ट से, ठीक ना, अंत से बीच में आते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है, यही पूछ रहा है। तो जब भी हम लोग वर्टिकल लाइन बनाते हैं तो हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक ना। चलिए बी में क्या दिया हुआ है, बॉटम टू अप, इस प्रकार नहीं जाते हैं, एक गलती है, नीचे से ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक ना। ऑप्शन सी में दिया है सेंटर, मान लीजिए सेंटर हो गया, सेंटर से इंड, इस प्रकार नहीं जाते हैं। और ऑप्शन डी दिया गया है, ठीक ना, सेंटर इन टू सेंटर, मतलब इन टू सेंटर, इस प्रकार भी नहीं आता है कि बीच में नहीं छोड़ देते हैं, उसको लास्ट तक जहाँ तक लाते हैं वहाँ लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक ना, ऊपर से नीचे आता है, मतलब ए टॉप हो गया, ए बॉटम हो गया, ठीक ना। ये वर्टिकल लाइन जब भी बनाते हैं टॉप टू बॉटम आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी प्रकार से है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या है, प्रोसीजर टू ड्रा हॉरिजॉन्टल लाइंस इन फ्री हैंड स्केच, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते समय क्या प्रोसीजर है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक ना, राइट मेरा ये है इस प्रकार, तो ये पहला ऑप्शन दिया है, ठीक ना, राइट मतलब इधर से इधर आना है, ठीक ना, ये एक मतलब राइट से लेफ्ट है, ये ऑप्शन गलती है।
ऑप्शन बी है फ्रॉम सेंटर टू बोथ साइड, ठीक ना, सेंटर से एगो इधर जाके फिर सेंटर से इधर जाके, ठीक ना, ये इस प्रकार के हॉरिजॉन्टल बनाना है, जी नहीं, इस प्रकार भी गलती है, ये भी गलती है। ऑप्शन सी दिया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब यहाँ लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, इधर से इधर जाना है, जी हाँ बिल्कुल सही, ठीक ना। तो ऑप्शन डी दिया है फ्रॉम एंड टू सेंटर, एंड से क्या करना है सेंटर, मतलब अंत से, ठीक ना, सेंटर में रहना है, इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक ना। तो इस प्रकार का आंसर ये भी गलती है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। को हमेशा दो चीज़ याद रखना है, जब आपको वर्टिकल लाइन बनाना है तो टॉप टू नीचे, टॉप टू बॉटम आएंगे, जब आपको हॉरिजेंटल लाइन बनाना है तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बस इस चीज़ को याद रखिएगा, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आराम से बनेगा। चलिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, यदि आपको इसे लिखना है तो लिख लीजिए, यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक ना। फ्री हैंड स्केचिंग कॉमनली यूज व्हेन, फ्री हैंड स्केच अधिकतर कहाँ यूज होता है, ठीक ना। ऑप्शन ए दिया है रिक्वायर्ड एक्यूरेट ड्राइंग, क्या मतलब दम परफेक्ट ड्राइंग चाहिए, वहाँ फ्री हैंड स्केच का यूज करते हैं, इस प्रकार है, ऑप्शन ए भी दिया हुआ है। ऑप्शन बी दिया है रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ड्राइंग, मतलब ज़्यादा ड्राइंग की जरूरत है तो फ्री हैंड स्केच का यूज करते हैं, क्या इस प्रकार का है। ऑप्शन सी दिया है रिक्वायर्ड लार्ज ड्राइंग, ठीक ना, इसमें भी दिया गया है यदि आपको बड़ा ड्राइंग चाहिए, ठीक ना, तो आप फ्री हैंड स्केच यूज करेंगे, क्या, ठीक ना। ऑप्शन डी दिया है रिक्वायर्ड रफ ड्राइंग, यदि आपको रफली मान लीजिए यूज करना है, ठीक ना, तुरंत आपको रफ जैसे यूज करना है ड्राइंग को, ठीक ना, रफली आइडिया के लिए यूज करना है, क्या यूज फ्री हैंड स्केच यहाँ यूज करते हैं, क्या इनमें से क्या ऑप्शन हो सकता है, ठीक ना, थोड़ा आप सोचिए। एक्यूरेट ड्राइंग के लिए तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसमें स्केल बिना यूज करते हैं, ठीक ना, और प्रोडक्शन के लिए है नहीं, ठीक ना, मास प्रोडक्शन या कोई प्रोडक्शन के लिए है नहीं, ठीक ना। लार्ज ड्राइंग ऐसा नहीं है कि बड़ा ड्राइंग करेंगे तो फ्री हैंड स्केच, ऐसा नहीं है कि मतलब कि इस प्रकार का ऑप्शन हो ही नहीं सकता, लार्ज स्केल, लार्ज के लिए हम लोग फ्री हैंड स्केच यूज करते हैं, इस प्रकार का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ने दिया है रफ ड्राइंग के लिए, हाँ ये रफ ड्राइंग के लिए है, आपको हम बताए थे यदि कोई हमको किसी को समझाना है उस चीज़ को हमारे दिमाग में है, तुरंत हम लोग रफली एक डायग्राम बनाएंगे हाथ से बिना नापे हुए, हाँ इस प्रकार करना है, रफली डायग्राम के लिए हम लोग फ्री हैंड स्केच यूज करते हैं। चलिए समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो देखिए स्टूडेंट, आपसे एक निवेदन है, अपना दर्द आपको हम बता रहे हैं कि इतना हम लोग मेहनत करते हैं, एक बार लिखें, इसे साफ किए, फिर लिखें, ठीक ना, पूरा बोर्ड लिखें, ठीक ना, इसे फिर अरेंज करेंगे, फिर लिखेंगे, मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए। इसके बावजूद भी आप लोग, ठीक ना, ना तो अच्छे कमेंट कीजिएगा, ना तो लाइक कीजिएगा, यहाँ तक कि जो सब्सक्राइब फ्री में पड़ा हुआ वो भी नहीं करेगा, ठीक ना। ये थोड़ा सा हम लोग को दर्द बुझाता है कि हम लोग स्टूडेंट के लिए इतना सोचते हैं कि एग्जाम आने वाला है, हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर से हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा दीजिए, किस प्रकार का क्वेश्चन बनाते हैं, सारे प्रकार के हम लोग प्रोवाइड करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आपका दिल पत्थर टाइप पे है, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं, ठीक ना। थोड़ा सा इंसानियत के नाते भी सोचिए कि सर हम लोग के लिए क्या कर रहे हैं और हम सर के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक ना। आपको इस चीज़ आपको दिमाग में लाना चाहिए, आपके लिए तो फ्री है, ठीक ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स रिगार्डिंग स्केचिंग, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि गलत है। अभी तक हम लोग सही वाला देख रहे थे, अभी गलत है, निम्नलिखित में कौन सा है कि वो गलत स्टेटमेंट दिख, ठीक ना। ऑप्शन ए दिया है इनिशियल आइडिया रिप्रेजेंटेड इन ए स्केच फॉर्म, मतलब कोई भी आइडिया आया, ठीक ना, तुरंत मान लीजिए शुरुआत का जो आइडिया आया, क्या हम स्केच करते हैं, तो ये तो सही है, ठीक ना, कोई भी आइडिया आते हैं तुरंत हम लोग क्या करते हैं, स्केच बनाते हैं, ये तो सही है, ठीक ना। ऑप्शन बी दिया है, मतलब क्या है कि इस प्रकार का हम लोग करते हैं, ठीक ना, ये गलत नहीं, पूछा है कौन सा गलत है, ये तो सही है, सही का मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक ना, ये स्टेटमेंट सही है, ये पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक ना। चलिए ऑप्शन बी दिया है स्केच आर द मतलब के मतलब क्या होगा, करेक्ट पर मतलब माने 40 है तो हम लोग 40 50 है तो 40 का बन रहा है, 45 का बन रहा है, इस प्रकार बन रहा है, इस प्रकार भी स्टेटमेंट सही है, इस प्रकार का होता है, ठीक ना, फ्री हैंड स्केच में इस प्रकार का पॉसिबल है। स्केचिंग इज द डन विथ द यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि इस फ्री हैंड स्केचिंग करते समय क्या हम लोग इंस्ट्रूमेंट की यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, तो ये क्या है, गलत है, ठीक ना।
हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा गलती है, कौन सा फॉल्स है, ठीक ना, तो उसको हमको चुनना था, ठीक ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमें मिल गया है कि इंस्ट्रूमेंट की यूज नहीं करते हैं, ये वही हमको बोलता था कि फॉल्स वाला स्टेटमेंट बताइए, ये ऑप्शन सी तो इसके अनुसार सही होगा, क्योंकि डी में क्या लिखा हुआ, स्केचिंग हैंड नॉट हैव एन स्केल, स्केल तो यूज करते ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग टू डू इन स्केचिंग, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो गलत है, ठीक ना, स्केचिंग करते समय वो गलत है, ठीक ना। जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में क्या देखे थे, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन मिला जुला के वही है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, वो चीज़ हम लोग फ्री हैंड स्केच में नहीं करते हैं, वही पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है यूजिंग नो प्रॉपर स्केल, ठीक ना, ये तो हम लोग करते ही हैं, उसमें पूछा है कौन नहीं करते हैं, ये हम लोग करते हैं कि हम लोग प्रॉपर स्केल नहीं लेते हैं। ऑप्शन बी दिया है यूजिंग नो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, ये भी हम लोग करते हैं। ऑप्शन सी दिया है स्केचिंग इट इज अ स्मॉल एज पॉसिबल, इसका मतलब क्या हुआ है कि हम लोग फ्री हैंड स्केच बनाते समय एकदम जितना हो सके जितना छोटा बनाते हैं, क्या ऐसा है, नहीं ये हम लोग काम नहीं करते हैं, वही पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग टू डू इन स्केचिंग, ठीक ना, फ्री हैंड स्केच कराते समय कौन सा जो है वो नहीं करते हैं, ठीक ना, वो करना गलत है। स्केच करते समय ऐसा नहीं है कि जो जितना हो सके छोटा बनाना है, नहीं ऐसा बात नहीं है, आप जितना मर्जी जितना बड़ा बनाइए, ठीक ना, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि जितना मान लीजिए कोई फिगर है तो ऐसा नहीं है कि जितना छोटा बनाएंगे उतना ही अच्छा, इस प्रकार का चीज़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हुआ, ठीक ना, ये चीज़ हम लोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट में हम लोग आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस एफिशिएंसी इन स्केचिंग, इसका मतलब क्या हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा है जो इंक्रीज करता है अच्छा बनाने में ड्राइंग को, फ्री हैंड स्केच ड्राइंग करते समय, ठीक ना, ये चीज़ हम करेंगे तो और अच्छा बनेगा, ये चीज़ करेंगे तो और अच्छा अच्छा बनते जाएगा, इंक्रीज करेगा मतलब अच्छा बनने के लिए, ठीक ना, परफेक्ट की ओर बनेगा, कौन निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है, तो ये दिया गया है यूजिंग प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट, क्या हम लोग प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे तो फ्री हैंड स्केच जो बनाएंगे वो अच्छा बनेगा, नहीं ये तो गलत है, इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो फ्री हैंड स्केच हुआ ही नहीं। ऑप्शन बी है यूजिंग ए बेटर स्केल, क्या हम अच्छा वाला यूज करेंगे, बेटर से बेटर स्केल, उससे भी अच्छा यूज करेंगे, अच्छा स्केल के यूज करेंगे तो होगा, नहीं तो फ्री हैंड स्केच वो भी नहीं कहलाएगा यदि हम स्केल के यूज करते हैं। ऑप्शन सी दिया हुआ है यूजिंग अप्रोप्रिएट डायमेंशन, जी नहीं, ठीक ना, ऐसा नहीं है कि हम लोग डायमेंशन के हिसाब से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, ठीक ना। ऑप्शन डी दिया है हैविंग कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, मतलब अगर लगातार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो क्या सुधार हो सकता है, अच्छा बनते जाएगा फ्री हैंड स्केच, मान लीजिए और बनाएंगे तो हो सकता है उससे अच्छा बनेंगे, तीसरा मतलब जितना हम लोग कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही हम लोग परफेक्टा की ओर जाते रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, हैविंग कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए या तो आप स्क्रीन शॉट लीजिए जो कि आपके लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल ग्रेड इज सुटेबल फॉर स्केचिंग, ठीक ना, क्या होता है कि निम्नलिखित में दिया गया कौन सा सुटेबल होगा फ्री हैंड स्केच करने के लिए बनाने के लिए। ऑप्शन ए दिया है 9H, ऑप्शन बी दिया है 10H, ऑप्शन सी दिया है 6H, ऑप्शन डी दिया है H, ठीक ना। पहले आपको समझना होगा कि पेंसिल का जो ग्रेड होता है क्या होता है, ठीक ना, दो प्रकार का होता है, एक हार्ड होता है, ठीक ना, एक सॉफ्ट होता है, एक हार्ड ग्रेड का होता है, एक सॉफ्ट ग्रेड का होता है। जो हम लोग फ्री हैंड स्केच बनाते हैं वहाँ सॉफ्ट ग्रेड का पेंसिल का यूज करते हैं, याद हो गया, सॉफ्ट ग्रेड का। जो हार्ड ग्रेड का होता है वो बी में आता है, ठीक ना, जैसे 2B हो गया, 4B हो गया, 6B हो गया, जो हम बता रहे हैं, ठीक ना, बी हो गया, ठीक ना, जैसे HB हो गया, ये थोड़ा सा हार्ड में आ गया, ठीक ना, और 2B हो गया, जहाँ बी लग रहा है, ठीक ना, वो बी लग रहा है और मतलब हार्ड होते जाएगा, ठीक ना, वो क्या होगा, वो हार्ड होते जाएगा, ठीक ना, 4B, 6B,
8B इस प्रकार ये हार्ड है पेंसिल। यहाँ इस ये पेंसिल कहाँ यूज होता है इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। ये इस प्रकार का पेंसिल ठीक ना, कोई आर्टिस्ट लोग रहते हैं ठीक ना, मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस का स्केच कर रहे हैं, किसी महिला का स्केच कर रहे हैं ठीक ना, महिला का स्केच कर रहे हैं तो उनको बाल बनाना है तो उनको काला आना चाहिए ठीक ना, तो इस प्रकार के पेंसिल से कीजिएगा तो ठीक ना, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक रहेगा, थोड़ा ज़्यादा ब्लैक रहेगा तो अच्छा से बाल बन जाएगा ठीक ना। तो स्केच करने के लिए कौन सा आर्टिस्ट लोग का स्केच करने के लिए, हम लोग यहाँ ड्राइंग करने के लिए बात कर रहे हैं ठीक ना, तो हम लोग यहाँ ये पेंसिल को यूज करते हैं ठीक है। ये पेंसिल क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है ठीक ना, मीडियम हार्ड होता है ठीक ना, मीडियम हार्ड इसके सॉफ्ट में ही लेके चलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन फ्री हैंड स्केचिंग ठीक ना। अब फ्री हैंड स्केच करते समय निम्नलिखित में से कौन सा यूज नहीं होता है, ये नोट पर दे दीजिएगा ठीक ना, कई बार ये नोट पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग उसको जाना पहचाना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नोट यूज मतलब कौन सा ऐसा है जो यूज नहीं होता है ठीक ना। ठीक ना, ऑप्शन ए दिया गया है क्रॉस सेक्शनल ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर का यूज होता है ठीक ना। आप फ्री हैंड स्केच बना रहे हैं तो वहाँ ग्राफ पेपर यूज कर सकते हैं, ग्राफ पेपर के द्वारा क्या होता है हमारा लाइन सीधा जाएगा, थोड़ा सा हेल्प मिलता है ठीक ना, क्योंकि ग्राफ में हल्का हल्का दागी दिया रहता है, उसके द्वारा क्या होगा हमको फ्री हैंड स्केच बनाने में थोड़ा सा मदद मिल जाता है ठीक ना, तो ग्राफ पेपर यूज कर सकते हैं ठीक ना। कई बार अभी हम नया बता रहे हैं इस चीज़ को ठीक ना, पिछला कभी नहीं बताए हैं। दूसरा का है सॉफ्ट रबर इरेजर, जी सॉफ्ट रबर ठीक ना, सॉफ्ट रबर को यूज कर सकते हैं मिटाने के लिए ठीक ना। ऑप्शन सी दिया गया है सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल। अभी हम क्या बताए थे कि जब हम भी ड्राइंग करते हैं फ्री हैंड स्केच से तो हम लोग सॉफ्ट ग्रेड का ही पेंसिल यूज करते हैं ठीक ना, लेकिन हमको क्वेश्चन क्या दिया था कि वो यूज नहीं करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन बताएं जो यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन डी में दिया गया हार्ड ठीक ना, हार्ड ग्रेड का पेंसिल, यहाँ हार्ड हार्ड दो बार हो गया, हार्ड ग्रेड पेंसिल हम लोग क्या करते हैं यूज नहीं करते हैं। यही पूछा गया कौन निम्नलिखित में से कौन सा फ्री हैंड स्केच बनाते समय यूज नहीं करते हैं, और हार्ड ग्रेड पेंसिल का यूज नहीं करते हैं। हार्ड ग्रेड पेंसिल कहाँ यूज होता है, जहाँ आर्टिस्ट लोग होते हैं ठीक ना, वहाँ बनाने में कहा उनको बाल बनाने में, दाढ़ी बनाने में, या जहाँ मतलब ज़्यादा काला करना है इस प्रकार के यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12। फ्री हैंड ड्राइंग इज ऑल्सो यूज फॉर क्विकली प्रेजेंट एन आइडिया इन, ऑप्शन ए दिया है पाई चार्ट, जो कि नहीं हो पाई चार्ट हम लोग मैथ में पढ़े हैं ना किस प्रकार बनता है ठीक ना, वहाँ हम लोग इस प्रकार यहाँ इस प्रकार का आइडिया इसमें नहीं लगाते हैं। बी नॉन ग्राफिकल फॉर्म नहीं, ए क्या हो फ्री हैंड स्केच नॉन ग्राफिकल फॉर्म में नहीं होता है, ऑप्शन सी दिया है ग्राफिकल फॉर्म, जी हाँ कोई भी आइडिया को उसको तुरंत दिखाना है ठीक ना, फ्री हैंड स्केच बनाते हैं वो ग्राफिकल फॉर्म में हुआ ठीक ना, तो ग्राफिकल फॉर्म ही सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ऑप्शन डी दिया है डॉक्यूमेंट फॉर्म, ये तो नहीं जान, वो भी आप ये नहीं होगा ये आप जानते हैं ठीक ना, तो मतलब कोई भी आइडिया है ठीक ना, कोई भी आइडिया को तुरंत प्रेजेंट करना है ठीक ना, किस तरीका से प्रेजेंट करना है, जब हम फ्री हैंड स्केच बनाते हैं तो ग्राफिकल फॉर्म में हो जाता है। चलिए और क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज, फिर आ गया नॉट यूज फॉर ड्राइंग ऑफ फ्री हैंड स्केचिंग ठीक ना, जो नोट आता है ना उस पर तो आप फोकस कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा है कि नहीं यूज होता है ठीक ना, तो यानी यूज होने वाला चीज यहाँ लिखा होगा, तीन ऑप्शन दिया होगा जो यूज होता है, वो ऑप्शन को पहले छाट लेना है। सॉफ्ट लीड पेंसिल ये यूज होता है, आपको हम दो बार बता चुके हैं, इरेजर माने लबर मिटाने के लिए ये भी यूज होता है, शॉर्पनर शॉर्पनर मतलब छीलने वाला कटर ठीक ना, ये भी यूज होता है ठीक ना, ये नापने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो यूज होगा। यह है गैल्वेनाइज्ड शीट, अब ये GI शीट क्या होता है ठीक ना, मात्र रहता है स्टील टाइप पे रहता है, ये समझ लीजिए स्टील टाइप पे रहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा यूज होता है, मतलब इस शीट जो होता है इस प्रकार का शीट होता है ठीक ना, स्टील का शीट जिस प्रकार हम कह सकते हैं ठीक ना, स्टील का शीट मतलब स्केचिंग बनाते में यूज होगा नहीं होगा, वही तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूज नहीं होगा, तो जो इस प्रकार का एक स्टील शीट दिया है ठीक ना, स्टील शीट को हम लोग फ्री हैंड स्केच बनाते समय वहाँ यूज नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए रेक्टेंगुलर बाई फ्री हैंड स्केचिंग द स्केच ऑफ द रेक्टेंगल विल बी, मतलब यदि हम फ्री हैंड स्केच के सहायता से एक रेक्टेंगल बनाते हैं वो भी कहाँ कौन सा व्यू में, आइसोमेट्रिक व्यू में, तो वो किस प्रकार दिखेगा। चलिए ऑप्शन क्या दिया है, सर्कल नहीं, सर्कल दिखेगा जब हम रेक्टेंगुलर बनाएंगे ठीक ना, रेक्टेंगुलर बनाएंगे
आइसोमेट्रिक व्यू में क्या सर्कल देखेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। नीचे भी दिया है पैरेललोग्राम, जी हाँ, जब हम ठीक ना रेक्टेंगुलर बनाएंगे तो हमको पैरेललोग्राम की तरह दिखेगा, ठीक ना। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए डी दिया है ट्रायंगल, ट्रायंगल तो दिखेगा ना, पेंटागन मतलब पांच गो रहेगा, तो पांच गो कहाँ से बनेगा, ठीक ना। जब रेक्टेंगल है तो चारे एंगल बनेगा ना भाई, चारे कोना ना बनेगा, ठीक ना। चलिए तो पैरेललोग्राम की तरह दिखेगा। इस प्रकार के हम लोग लगभग इतना हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए हैं। आशा करते हैं लेक्चर आपके लिए लाभकारी होगा। यदि इस लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ आपसे नम्र निवेदन है, इस चैनल के बारे में और स्टूडेंट को बताइए, शेयर कीजिए, इसके द्वारा और भी स्टूडेंट लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।